भाजपा के लोगों को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि अति पिछड़ा का बेटा भी अब मेयर बनने वाला है, उप मेयर बनने वाला है, अति पिछड़ा के बेटा बेटी अब सत्ता में आएगा, इसलिए इसको रोका जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के मुजफ्फरपुर जिला प्रधान महासचिव राजकुमार ठाकुर नंदवंशी जी हैं। राजकुमार ठाकुर जी, आपको स्वागत है। धन्यवाद। राजकुमार ठाकुर जी, नगर निकाय के चुनाव में अति पिछड़ा के आरक्षण के मुद्दों को लेकर माननीय पटना उच्च न्यायालय ने फिलहाल चुनाव पर रोक लगा दी है, इस मुद्दे को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय है उसको मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन अभी जो फिलहाल देखा जा रहा है किसके इशारे पर यह हुआ है, क्या जरूरत पड़ गई भाई? मात्र चुनाव के 4-5 दिन बच गए, नॉमिनेशन हुआ, लोग जनता आम आवाम मूड बना लिया कि यहाँ इनको मेयर बनाना है, इनको उप मेयर बनाना है, सारे लोगों का माइंड सेट हो गया। और ये बंदी के दिन में, दशहरा के छुट्टी के दिन में इतनी बड़ी क्या आवश्यकता पड़ गई कि कोर्ट खुलवा करके और अति पिछड़ा के बेटा को रोकने का काम किया गया? या कहीं ना कहीं अति पिछड़ा के बेटा के साथ घोर अन्याय हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि जो किया है और को लोग करवा रहे हैं, आज के जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, उस सरकार अति पिछड़ा को साफ समाप्त कर देने के लिए मन बना चुकी है। और अति पिछड़ा के जो बेटा भाजपा सरकार में केंद्र में है, सांसद है, विधायक है, वो चुप क्यों बैठे हुए हैं भाई? सबसे ज्यादा तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप सदन में है और आपके समक्ष अति पिछड़ा के बेटा के गर्दन पर चाकू चलाया गया, क्यों आप चुप क्यों हैं? और यह अति पिछड़ा के लोग इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। भाजपा के लोगों को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि अति पिछड़ा का बेटा भी अब मेयर बनने वाला है, उप मेयर बनने वाला है, अति पिछड़ा के बेटा बेटी अब सत्ता में आएगा, इसलिए इसको रोका जाए, अति पिछड़ा का बेटा आगे नहीं बढ़े। इसलिए भाजपा वालों ने साजिश के तहत ऐसा करवाने का काम किया है और इसे हम अति पिछड़ा के लोग चुप नहीं बैठेंगे। आने वाले विगत चुनाव में इसका जवाब हम लोग वोट के माध्यम से देने का काम करेंगे। राजकुमार ठाकुर जी, उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी ही इस आरक्षण को समाप्त करने को लेकर इस तरह का मुहिम चला रहा है, क्या इस पर आप क्या कहेंगे? एकदम सही कहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी के बातों का मैं समर्थन करता हूं। उन्होंने जो कहा है कि बीजेपी वाले इस आरक्षण को समाप्त करने के लिए इस तरह का मुहिम चला रहे हैं, एकदम 100% 100% उनका कथन सही है कि भाजपा वालों का ही साजिश है। मैं उनके बात का समर्थन करता हूं। अगर अति पिछड़ा का भी बातों को अगर नहीं माना गया तो हम लोग सड़क से सदन तक, प्रखंड से लेकर के पूरे जिला मुख्यालय और प्रदेश कार्यालय तक, हम लोग प्रदेश में भी इसका आंदोलन करने का काम करेंगे हम लोग। राजकुमार ठाकुर जी, क्या लगता है कि ईबीसी और ओबीसी के आरक्षण जो है समाप्त करने की साजिश तो नहीं है? 100% तो लग ही रहा है। आज कहाँ है जो अति पिछड़ा के लोग कहते थे कि ऊपर देख के वोट दीजिए, देश को मजबूत करना है, अति पिछड़ा के बेटा है नरेंद्र मोदी जी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो घूम घूम के कहते थे अति पिछड़ा के लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आज आप चुप क्यों हैं? आज आपके सामने में अति पिछड़ा के बेटा का गला घोटा जा रहा है और इस तरह की साजिश रहेगी तो हर चुनाव में, पंचायत चुनाव में भी हमें लग रहा है कि अति पिछड़ा का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। तो मैं अति पिछड़ा के बेटा से, तमाम अति पिछड़ा के लोगों से, गरीब दलित मजदूर किसान से मैं निवेदन करता हूं कि आप अगर चुप बैठेंगे तो प्रत्येक लोगों का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। आरक्षण जो है नायक कर्पूरी ठाकुर दिए थे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी नहीं होते तो ये आरक्षण भी नहीं होती। आज जो खिलवाड़ किया जा रहा है संविधान से, वह सिर्फ भाजपा वाले कर रहे हैं और ये साजिश के तरह चाह रहे हैं कि सभी का आरक्षण, दलित, महादलित, अति पिछड़ा का आरक्षण समाप्त हो, ये कहीं से हम लोग बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं है। राजकुमार ठाकुर जी, नगर निकाय के चुनाव में पहले से ये आरक्षण लागू होते आ रहा है और मिलता आ रहा है,
लेकिन इस बार अचानक इस तरह की प्रक्रिया की गई, क्यों? अरे घोर अन्याय हो रहा है इस अभी वे, मैंने क्या बताए, एकला सरकार नरेंद्र मोदी जी को जो लग रहा है, जो उनको संविधान के खिलाफ भी जाकर अगर करना पड़ रहा है, जो लग रहा है वो करने का काम कर रहे हैं, तो इसमें आप क्या कीजिएगा। आज बिहार सरकार वर्षों से माननीय नीतीश कुमार जी ने आरक्षण महिला कैटेगरी को भी दिया, और जो आरक्षण दिए उस पर बिहार सरकार चुनाव कराने की प्रक्रिया जारी किए, और चुनाव में नॉमिनेशन हुआ, क्या खर्च हुआ आप जान रहे हैं कि एक अति पिछड़ा के बेटा का जो खर्च हुआ है चुनाव में, आज के परिवेश में खर्च होती है, जितना खर्च कर दिया पानी पसेना करके कमाया हुआ पैसा जो खर्च हुआ कौन देगा भाई? आप नॉमिनेशन नहीं करवाते, चुनाव मैदान में लोगों का नॉमिनेशन नहीं लेते, भेजने का काम नहीं करते, लोग लड़ता नहीं, आप जारी नहीं करते, पहले ही से इस आरक्षण पर केस था तो रोक लगा देने का काम करते। मात्र जब दो चार दस दिन बचा है चुनाव का, सारा लोग मूड बना लिया था, यह संविधान के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, यह घोर अन्याय हुआ है, इसको हम तमाम अति पिछड़ा के लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है, हम लोग कहीं ना कहीं चुप ना बैठेंगे और सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। राजकुमार ठाकुर जी, विभिन्न पार्टियों में अति पिछड़ा के कई दिग्गज नेताएं हैं, इस निर्णय के बाद किसी भी नेताओं का कोई प्रतिक्रिया नहीं दिख रहा है, जबकि चुनाव के समय, वोट मांगने के समय जनता के बीच कहते हैं कि हम अति पिछड़ा के हितैषी हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? वो तो गुलाम है बीजेपी के लोग, जो लोग अपने आप में अति पिछड़ा के नाम लेकर के अति पिछड़ा से वोट मांगते हैं, अति पिछड़ा के बेटा तो गुलाम है भाई मोदी जी का, भाजपा की गुलामी है। अगर आज तनका सा ज्यादा बोल देंगे तो बिहार भाजपा वाला लाठी डंडा से रख देगा। तो याद रखिए, हम उन लोगों को समझा रहे हैं कि बिहार में अब आएंगे, वो अब क्षेत्र में जाएंगे कहने कि अति पिछड़ा का बेटा है और जात के नाम पर वोट दीजिए, तो हम अति पिछड़ा के लोग से निवेदन करते हैं कि आप लाठी डंडा लेकर के, और समाचार पूछिए उनसे कि उस दिन तुम कहां था जिस दिन हमारे बेटा का, हम लोग अति पिछड़ा का आरक्षण खत्म किया जा रहा था, खत्म कर दिया गया था, उस दिन तुम क्यों नहीं अति पिछड़ा बोला और आज वोट मांगने आया है अति पिछड़ा कह करके। पोलिंगो एजेंट दूसरे जात का लोग मिलता है का अति पिछड़ा के बेटा के हो, और कहते हैं कि अति पिछड़ा है, तो इस बार जब आएंगे तो लाठी डंडा से बुखार उतारने का काम करेगा बिहार के तमाम अति पिछड़ा दलित और महादलित के लोग, जो आज अति पिछड़ा के नेता जाके मसीहा बन के गुलामी कर रहे हैं, तलवा चापने का काम कर रहे हैं मोदी जी का। उनसे मैं निवेदन करता हूं कि अभी भी समय है कि अति पिछड़ा का आवाज उठाइए सदन में, और नहीं तो लाठी डंडा इस बार आने वाला चुनाव में लोग हिसाब खोजेगा आपसे।